हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। इसका नया एक नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट पे इसकी रिक्रूटमेंट करवाने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, फिर उसके बाद ग्रुप बी पोस्ट जो होता है आपका पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड एंड डिजाइन, देन लेबोरेटरी के टेक्निकल पोस्ट्स। तो ये मैंने पहले भी आपको ग्रुप में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि इस पर इसका जो वैकेंसी है वो आने वाला है, और ये आप 9 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आज से। तो देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ कितने पोस्टों पे वैकेंसी है, कितने नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा होने वाला है। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन BIS। ओके, आई एम सिलेक्टेड इन द प्रीवियस रिक्रूटमेंट, सो एज अ TA, एज अ टेक्निकल असिस्टेंट। सो आई हैव मच एक्सपीरियंस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, और किस तरीके का पैटर्न रहा था, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। साथ ही साथ काफ़ी सारे वीडियो भी आएंगे इस पर, तो उसमें मैं बताऊँगा कि इसका जॉब प्रोफाइल वगैरह किस टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं। बात करूँ तो ग्रुप ए पोस्ट की, तो इसमें देखो असिस्टेंट डायरेक्टर पे आया है फाइनेंस सेक्शन में, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में। ऐसे ग्रुप बी पोस्ट में है पर्सनल असिस्टेंट ASO एंड असिस्टेंट CAD। साथ ही साथ बात करूँ जो ग्रुप सी पोस्ट पे आए हैं वो स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। नेक्स्ट बात करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट्स की। लेवल 6 का जॉब प्रोफाइल है ये ग्रुप बी के अंडर में। मैकेनिकल में देखिए टोटल 13 वैकेंसी है, इसमें 7 UR के हैं, बाकी अलग अलग कैटेगरी में EWS में 1, OBC में 1, इस टाइप में वैकेंसी है। फिर आपके केमिकल सेक्शन में 12 हैं, ठीक है, एंड देन माइक्रोबायोलॉजी में 2 है। फिर इसके साथ ही साथ सीनियर टेक्नीशियन का भी है, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट रहता है 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस या तो 2 साल का अप्रेंटिस, जो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो वो दिखा के। तो सबसे पहले अगर जो ITI वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि लेवल 4 जो ये आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मतलब जो लेवल 3 है वो आपको ISRO में मिलता है, जो कि हाईएस्ट है फॉर ITI कैडर के लिए, और ये आपको लेवल 4 दे रहा है। तो जिस पे भी एक्सपीरियंस है वो उसको ज़रूर भरें, बहुत ही बढ़िया चांस है इसमें सिलेक्शन लेने का, और साथ ही साथ आपको लेवल 4 का जॉब भी मिल जाएगा। फिर ऐसे ही है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का, जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, एक पोस्ट रहेगा। चलते हैं आगे, बात करता हूँ मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, दीज आर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर मार्केटिंग, पर्सनल असिस्टेंट, ये आप पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी कंसीडर किया है इसने। चलते हैं टेक्निकल पोस्ट पे। ये देखिए जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है लेबोरेटरी की, उसमें मैकेनिकल में होना चाहिए आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा, ठीक है, एंड 60% मिनिमम होना चाहिए, और जो SC ST के लिए है उनका 50% मिनिमम होना चाहिए। बाकी ऐसे केमिकल ब्रांच के लिए भी है, देन माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी है। सीनियर टेक्नीशियन में वही है आपका 2 साल का अलग से एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए। चलते हैं आगे, बात करूँ देखो स्ट्रक्चर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका। बेसिकली जो ये 3 सेक्शन है ये सभी के लिए मोर और लेस सेम ही रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट का, ठीक है, किसी किसी में थोड़ा थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है। अगर मैं टेक्निकल पोस्ट की बात करूँ तो इसमें आपका रीजनिंग आएगा 50 का, देन GK GS 25 एंड इंग्लिश 25। बाकी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा उससे 50 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, 50 तो आपका टेक्निकल हो गया जो आपका डोमेन नॉलेज है, एंड बाकी जो 100 नंबर है वो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन है।
तो थोड़ा इसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है अलग है, डिफ़र करता है जो आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है सेक्शंस में डिवाइड होंगे, टाइम भी जब आप पेपर दोगे वहाँ पे तो सेक्शंस में डिवाइड होगा, ओनली 40 मिनट्स ही मिलेंगे इसके लिए। जब ये सेक्शंस ख़त्म होगा तभी आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं आफ्टर 40 मिनट्स। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो इसका रीजनिंग आता है वो बैंकिंग एग्ज़ाम के पैटर्न पर रहता है, तो थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि हम ये रीजनिंग रेगुलर नहीं करते हैं। एसएससी वगैरह वाला रीजनिंग जो होता है वो कर रहे होते हैं, या तो जो रेलवे से कंपेरेटिवली जो होता है, पर जो बैंकिंग का है वो थोड़ा टफ रहता है और इसकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी खासी आती है। मतलब अगर आपने 50 में से 30 भी स्कोर कर लिया है ना तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा वो। तो वो सब तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कैंडिडेट्स है विल रिक्वायर सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। मतलब एग्रीगेट करके आपको कम से कम तो 150 में से तो 75 नंबर लाने ही होंगे इंटरव्यू में कंसिडर करने के लिए, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न डिसिप्लिन एंड ऑल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब जो टेक्निकल पोस्टेज के लिए बता रहा हूँ लैब वाला, इसमें 50 में से आपको एटलीस्ट 50% तो स्कोर करना पड़ेगा और साथ ही साथ एग्रीगेट करके भी 50% होना चाहिए उससे ऊपर, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे है कि किसी को नॉन टेक्निकल का है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, उसने 100 में से इधर बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है, 90-80, बट वो 50 में से अगर वो 20 स्कोर करता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको 25+ इसमें भी चाहिए, ये ध्यान रखना। यही सही है आपका, हो गया, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो इसके ऊपर कि किस टाइप्स के क्वेश्चन, वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बैंकिंग पैटर्न पे होता है, और बाकी मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप का ये रहने वाला एग्ज़ाम, ठीक है दोस्त। IBPS इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो आपको आंसर की तो नहीं मिलेगा, बट फेयर, एकदम फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और ये जो है इसका कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस ऑफ लेवल है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। जनरली एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, बट IBPS पैटर्न में 5 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, तो इसमें लग जाइए आप। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ये आपका थोड़ा बहुत नॉर्मली रहेगा, बट रीजनिंग पे आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड देन आपका डोमेन ऑलरेडी स्ट्रांग होगा तो आपके लिए ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सैलरी स्लिप डिस्कशन करूँगा, साथ ही साथ जो इसके एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। और जो वर्क प्रोफाइल है टेक्निकल असिस्टेंट लैब का, वो किस टाइप्स का होता है वो भी बताने वाला हूँ मैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको एंड करते हैं। साथ ही जो चैनल पे नए आए हैं वो आप जितने भी नॉन टेक्निकल के वीडियोस हैं आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा, मैंने ऑलरेडी स्टैटिक जीके काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।